जीजा जी की हत्या, वो आत्महत्या की, इन्होंने क्या पूरा मामला है? इनका पूरा मामला भैया ये है कि इनके जो बहनोई थे विनोद कुमार पंवार, जो डीएम बिजनौर रहे हैं, आजकल वो रिटायर्ड हैं, राजनगर गाजियाबाद में रहते हैं, नोटबंदी में उन्होंने इन्हें 20 करोड़ रुपया दिया वाइट करने के लिए, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, जिसे ये किसी वजह से करा नहीं पाए, या जो परसेंटेज पर पैसा था, कुछ पैसा जिन जिन लोगों को इन्होंने दिया था उन लोगों ने इनका पैसा मार लिया, वो पैसा ये पूरा उनका वापस नहीं कर पाए, जितना पैसा वापस हो सकता था उतना पैसा इन्होंने वापस किया भी उनका। अब इन्होंने क्या किया, इन पे इनको मेंटली परेशान किया, टॉर्चर किया, फ़ोन करके इनकी बेइज्जती करके इनके बीवी बच्चों को तंग किया, इनकी बेटी को अश्लील SMS करे, फोटो भेजे, इनकी पत्नी का हरेसमेंट करना चाहा उसने, तंग आ गए इन्होंने। जब कोई गांव में यदा कदा दाएं बाएं सबको फ़ोन करते थे कि मेरा इस तरह से है, मेरा इस तरह से है, मेरा ये नहीं कर दिया, मेरा वो नहीं कर दिया, मतलब उस आदमी को उसके जीने के सारे रास्ते ही विनोद कुमार पंवार जो DM रिटायर्ड बिजनौर हैं उन्होंने बंद कर दिए थे, इस वजह से इन्होंने ये कदम उठाया। आत्महत्या की इनके पास अपना सरकारी रिवॉल्वर था, लाइसेंसी रिवॉल्वर था, उससे इन्होंने अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर दी। तो अब इसमें आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सुसाइड नोट उन्होंने अपना लिखा है जिसमें पूरी तरह से हर तरह से उन्होंने विनोद कुमार पंवार को जिम्मेदार ठहराया है, और आगे भविष्य में उनके जो परिवार है उसके लिए भी ये उन्होंने सुसाइड नोट में कहा है, उसे भी वो क्षति पहुँचा होगा। और इनकी दुहाई में गणेश नर्सरी के नाम से, इनकी माताजी के नाम 6 बीघे नर्सरी है जिसकी कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए है, उसको उसने फिलहाल हथियार रखा है, अपने कब्जे में ले रखा, उसका किराया वो वसूल रहा। अब कार्रवाई क्या चाहते? पुलिस से कार्रवाई चाहते हैं भाई, इसमें जो सच्चाई है वो सामने आवे और उस आदमी को पनिशमेंट किया जाए जिस आदमी की वजह से ये काम हुआ, एक परिवार हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया, मुकदमा दर्ज करा दिया उस आदमी के खिलाफ। जनविजय नामक एक व्यक्ति हैं जो कि बधेव थाना क्षेत्र आदर्श मंडी के रहने वाले हैं। कल शाम थाना आदर्श मंडी पे सूचना मिली थी कि इन्होंने अपने आप को गोली मार ली। मौके पर पुलिस पहुंची तो पाया गया कि इन्होंने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। वहीं उनके कमरे में पड़े एक डायरी में एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। जो प्रथम दृष्टया कारण जो कि सुसाइड नोट में लिखा हुआ भी मिला है वो ये है कि इनको नोटबंदी के दौरान इनके जो जीजा है उसने कुछ पैसे दिए थे बदलवाने के लिए पुराने नोट, तो कुछ इन्होंने बदलवा दिए थे, कुछ नहीं बदलवा पाए थे, जिसके कारण इन पर काफ़ी दबाव बन रहा था। आरोप ये भी है कि इनके जीजा ने इनके ज़मीन पर भी कब्जा कर रखा है। तो इनकी तहरीर के आधार पर, परिवार की तहरीर के आधार पर थाना आदर्श मंडी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साक्ष्य संकलित करने के लिए बताया गया है। जो सुसाइड नोट मिला है हम उसकी फॉरेंसिक जांच भी करवा रहे हैं, उसके हस्तलेख मिलान भी करवा रहे हैं और अन्य साक्ष्य जो कि आरोप लगाए गए हैं सुसाइड नोट में उसका भी सत्यापन करवा रहे हैं। सर मामला तो करोड़ों रुपये तक पहुँच रहा है सर, ये करोड़ों रुपये का जो नोटबंदी के दौरान बदलवाने का जो मामला है सर, उसके चलते ये। जी हाँ, ये जो आप बात कह रहे हैं ये सुसाइड नोट में भी लिखी हुई है, 10 करोड़ की बात उसमें कही गई है। ये सारी बिंदुओं को विवेचना में ध्यान रखा जाएगा और ये सारी बातें जो सुसाइड नोट में लिखी गई हैं इनका सत्यापन कराया जा रहा है। हम संबंधित विभागों से भी इसमें जानकारी प्राप्त कर। क्या कार्रवाई होगी सर? जैसा मैंने बताया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, जो कि सुसाइड नोट में जो बातें लिखी गई हैं उन सारी बातों की पुष्टि करवाई जा रही है। यदि वो सारे के सारे आरोप सही पाए जा रहे हैं तो जो भी अभियुक्त हैं जो कि जिनका कि नाम सुसाइड नोट में दिया गया है उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।